सो आई एम स्टैंडिंग इन अ प्लेस समवेयर इन बिटवीन कानपुर एंड बनारस। तो यहाँ से बनारस रह गया और जय श्री राम। सो इट्स 11:47 एंड आई हैव लेफ्ट कानपुर, मैं बढ़ रहा हूँ टूवर्ड्स बनारस। और ये मैप कुछ तो गड़बड़ करता ही रहता है हमेशा। यहाँ से सीधा है मेन रोड जीटी रोड के ऊपर, यहाँ से भी राइट ले सकती है, लेकिन नहीं, इसे गड़बड़ी करना ही है कुछ ना कुछ। तो यहाँ से लगने वाला मुझे 6 घंटा 6.5 घंटा का आसपास टूरेज बनारस। तो बनारस तो आज भी शायद मैं कहीं घूम ना पाऊँ। तो मेन दिक्कत यह है अभी यहाँ से निकलना, तो इतना ज़्यादा रश रहता है और यहाँ पर पूरा मुझे येलो और रेड दिख रहा है। बाप रे बाप, भाई सब दिमाग ख़राब हो जाएगा यहाँ। हाईवे पे इट्स गुड, बट ये सिटी टाउन से निकलना है बहुत दिक्कत होती है। ये सब जगह में ऐसा भसड़ मचा रहता है हमेशा कि आप अगर यहाँ के हिसाब से नहीं चलाओ तो आप निकाल नहीं पाओगे। डर डर से अगर आपने गाड़ी चलाया हो तो ऑल यू नीड इज़ कॉन्फिडेंस। यहाँ पे बहुत दिक्कत है भाई, ऐसे चलाते हैं मानो कोई आगे पीछे हो ही ना। और दूसरों की तो छोड़ो, खुद की भी जान की कोई डर नहीं रहती इन्हें। ट्रैफिक रूल्स धनाधन ब्रेक करते ही है। सो द होटल आई बुक इज 225 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर एंड इट्स नेम इज समथिंग आई कॉन्ट इवन रिमेंबर द नेम, नाम भूल गया मैं, बस इतना पता है इट्स नियर BHU आई थिंक इज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड नेक्स्ट टू इट इज बजरंग बली मंदिर। तो उसी के सामने है मेरा स्टे आज का एंड आई इवन आज द पर्सन की घाट वगैरह कितना दूर है। सो 80 घाट इज लाइक 1 किलोमीटर फ्रॉम देर। तो देखते हैं कितने देर पहुँचते हैं। यहाँ पर दिखा रहा है 6:37, टाइम बढ़ गया अभी क्योंकि मैंने बहुत लंबा वहाँ पर हॉल्ट लगाया। कोशिश करते हैं इसे कवर अप करने का। टुमारो विल बी द लास्ट राइड, कल घर जाऊंगा मैं। आज इतना हो पाता है करता हूँ। तो होटल रह गया अभी 189 किलोमीटर यहाँ से। तो ये जो ट्रिपल लोड जो आप देख रहे हैं इस पर स्प्लेंडर पे, दिस गाय इज ट्राइंग टू रेस विद मी कंटिन्यूसली। बेचारे को आइडिया तक नहीं है क्या कर रहा है, कौन से गाड़ी के साथ कर रहा है। ग्रो अप गाइस, ग्रो अप। यही सब को वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। एक तो हेलमेट पहना नहीं है, सेफ्टी गियर तो दूर की बात है। चला रहा है ऐसा गाड़ी इसका इंजन सीज हो जाएगा जल्दी, और बैठा के रखा है दो और। तो एक इंसान को ऐसे कितने सारे लॉस। तो आई एम स्टैंडिंग इन अ प्लेस समवेयर इन बिटवीन कानपुर एंड बनारस। तो यहाँ से बनारस रह गया और 227 किलोमीटर, 6:30 बजे तक मैं पहुँचूंगा वहाँ। और यहाँ मैं रुक के अभी सारा सब कुछ जो होटल वगैरह मैंने बुक नहीं किया था वो बुक कर रहा हूँ अभी, और हो भी गया। एडवांस पेमेंट मैंने कर दिया और मेरा DSLR का माइक ख़राब हो गया। तो फुटेज आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो अभी मैं अपने आईफोन से ही शूट कर रहा हूँ, ये मेरा आखिरी उम्मीद है। GoPro का मैं सेटिंग करूंगा अभी, शाम को भी जब मैं जाऊंगा इधर उधर अगर कहीं लुढ़कते फिरते अगर चल पहुंच जाते कोई भी स्पॉट, मैं रिकॉर्ड करूंगा फ़ोन से और GoPro से। और चेहरे पे जो आप मेरे दाग देख रहे हैं वो बंजी कॉर्ड से हुआ था, वो दोनों तरफ से आके आया था मेरे चेहरे पर और दोनों तरफ कट मार दिया। वो दिख रहा होगा कितना भयानक लग रहा है, एट अ फाइट विद अ फॉक्स इट सीम्स। तो ठीक है चलते हैं अभी। रास्ता भी काफ़ी लंबा है, लेंदी है। अभी तक तो बहुत बेकार सा रास्ता था यहाँ पे, अच्छे से 4 लेन 6 लेन किया, मतलब रोड ही नहीं मिल रहा था भाई, खतरनाक था यार। तो चलो और लेट नहीं करता, अभी निकलना है जल्दी वहाँ पहुँचते। चलो ठीक है।
आई स्टॉप फॉर दिस गाय, आई थॉट कि से पेट्रोल ख़त्म हो गया, और मैंने जितना देखा अभी आगे पीछे कहीं पेट्रोल पंप मुझे दिखा नहीं, सो आई हैड टू स्टॉप दिंग अ बाइक। इंसानियत के नाते रुकना भी चाहिए। आई थॉट कि मैं थोड़ा सा 20-30 रुपये का पेट्रोल निकाल कर दे दूँ उसको, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा पेट्रोल निकाल कर मैं दे दूँ उसे, क्योंकि बेफालतू इतना दूर लुढ़काना पड़े गाड़ी। ही हैड हिज डैड एंड हिज मॉम आई थिंक विथ हिम, तो वो तीनों शायद जा रहे थे एक ही बाइक पे। मैंने वही सोचा था कि पेट्रोल ख़त्म हो, बट मैंने पूछा भी नहीं। मैं देखा सो टायर से पीछे वाला फ्लैट था, तो तभी मुझे समझ में आ गया इसमें आई कांट हेल्प हिम, बट अगर पेट्रोल ख़त्म होता उसको आई वुड डेफिनेटली हेल्प हिम। Try and grow then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice to y'all. Now I got an up price on y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. A6 all the hay. I woke in a bar today. Got lost in the ball and A's. I'm flipping the bars. I'm flipping the So we are entering the outer of Varanasi, and I'm seriously very excited to visit this city. तो यहाँ पे तो येलो दिखा रहा है एंड 35 मिनट्स में लग जाएगा हमें बस 21 किलोमीटर जाने में। फ्यू मिनट्स बिफोर वी जस्ट क्रॉस KIT, तो ये शायद आउटर होगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो रोड्स यहाँ के यार क्या कहने, क्या कहने। सो धनबाद इज अराउंड 400 किलोमीटर्स फ्रॉम बनारस, एंड आसनसोल विल बी 450 और सो फ्रॉम बनारस। तो यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ रहता है। अरे यार हेलमेट कांच में कुछ नहीं दिख रहा। वाराणसी इज 17 किलोमीटर्स, धनबाद इज 416 एंड कोलकाता इज 689। तो रोड्स ऐसे यहाँ के, बस बिहार में थोड़े बहुत तो पैचेस खराब मिलेंगे और डायरेक्ट कोई करे तो उसके बाद तो झारखंड के रोड्स आर लाइक बटरी रोड्स मैन, मक्खन है रोड्स वहाँ के, बिल्कुल ऐसे ही हैं। तो यू कैन पुल योर व्हीकल टू अ लॉन्ग स्ट्रेच, अच्छा खासा लॉन्ग हॉल दे देगी आपको। टाइम मैनेजमेंट इन दिस रूट बहुत ईजी होता है, बट वो बीच वाला पैच कानपुर का बहुत ही बेकार था। अब जाहिर सी बात है हर जगह तो रहेगा नहीं, क्योंकि इंडिया में तो रोड कंडीशंस इतने बेकार थे, और ये तो स्टार्ट ही हुए बनने आफ्टर 2014-15 ऐसे कुछ तो, या फिर भी इतने सुधरे हुए हैं अभी भी ये सब रोड्स, तो बहुत ही अच्छी बात है ये। या इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग। कहाँ इधर कहाँ लगा दे भाई, मतलब ऐसे ही अभी हम रख दे गाड़ी बताओ। और कोई तुम्हारा पार्किंग नहीं इंडोर वगैरह? तो फोन पे तो वही पूछा था ना इंडोर पार्किंग के बारे में, ऐसे अगर भीड़ पता रहता तो फिर तो ये लगाता ही नहीं है गाड़ी। तो अभी तो सामान उतारने के लिए तो यही रखना पड़ेगा फिलहाल, सामान उतारने के लिए। सामान उतार दे रहे ना अभी, बाद लगाइए। तो कल रात मैं यहाँ पहुँचा 7-8 बजे, और मैं पहुँच के ही सो गया बहुत तेज, नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, भूख भी लगी हुई थी, और यहाँ पर होटल में बहुत तो पार्किंग वगैरह बहुत झंझट हुआ। सो आई डिसाइडेड कि नेक्स्ट डे मैं ये होटल चेंज कर दूँ। तो आज मैं होटल चेंज करके दूसरा होटल में आया, क्योंकि यहाँ पर पार्किंग थोड़ा बहुत सेफ है। और मैं अभी उठा हूँ, बहुत रश चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही रश चल रहा है। बल्कि टिल देन स्टे कूल, स्टे राइट एट राइट सेवर के पेरेंट्स हैप्पी। दिस मोटर हेड पार्क साइनिंग ऑफ, और मैं चलता हूँ बनारस घूमता हूँ और आपको भी घुमाता हूँ।